प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड पॉल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर। गड़िया में प्रेज द लॉर्ड भाई, ये क्रिस्टोफर है, ये आसाम का रहने वाला है भाई। आप इसकी गवाही सुनोगे ना जरूर आपके जीवन में आशीष। क्या गवाही सुनाइए आप? मैं आसाम से हूँ सर, मेरा नाम क्रिस्टोफर है सर। मैं आदिवासी कोबरा मिलिटेंट के चेयर में हुआ करता था। दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर अब तक कई क्रिश्चियंस मूवीज़ देखी होंगी, जिनमें से बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, जॉनी लीवर और प्रेम चोपड़ा द्वारा अभिनीत क्रिश्चियन मूवीज़ भी हम आपको दिखा चुके हैं। और इन क्रिश्चियन मूवीज़ के नीचे आपके द्वारा टाइप किए गए मैसेज और कमेंट्स साफ साफ बताते हैं कि आपको यह क्रिश्चियन मूवीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों, आपको इन क्रिश्चियन मूवीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि इन क्रिश्चियन मूवीज़ को बनाने के पीछे का मकसद सुसमाचार का प्रचार और विश्वासियों को प्रेरित करना होता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और क्रिश्चियन मूवी दिखाने जा रहा हूं, जिसमें जॉनी लीवर जी ने काम किया है और इस फिल्म को क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स ने प्रेजेंट किया है और निर्देशित भी उनके द्वारा ही किया गया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्रिश्चियन मूवी को। प्रभु के लिए एक अच्छा सा गाना बनाएं, वेरी गुड, और इन्हें हम क्रिस्टोफर को चांस दें, है ना, साथ में मिलकर, ठीक है, कुछ करते हैं हम सब मिलकर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जरूर, हम एल्बम बनाएंगे। जॉनी वैसे भी मैं इनको मिलाता हूँ, क्योंकि इनकी गवाही बहुत अच्छी है। नहीं 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 नहीं, अपनी बीवी से प्यार करो। अगर आपकी बीवी के आंसू लगातार बह रहे हैं तो आपके घर में कभी रोशनी नहीं होगी, रोशनी कभी नहीं आएगी। अपनी बीवी से प्यार कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, यीशु के नाम से सब ठीक हो जाएगा। लव योर चिल्ड्रन, लव योर वाइफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड पॉल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर। गड़िया में प्रेज द लॉर्ड भाई, ये क्रिस्टोफर है, ये आसाम का रहने वाला है भाई। आप इसकी गवाही सुनोगे ना जरूर आपके जीवन में आशीष। क्या गवाही सुनाइए आप? मैं आसाम से हूँ सर, मेरा नाम क्रिस्टोफर है सर। मैं आदिवासी कोबरा मिलिटेंट के चेयरमैन हुआ करता था और परमेश्वर के खिलाफ मैंने बहुत गुनाह किया सर। लेकिन ऐसा मोड़ आया कि एक समय मेरी ही दोस्त मुझे मारना चाहा और तब मैं परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे वहाँ से बचाया। और 2021 मार्च को मैंने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया सर, और आज मैं परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुबारक हो भाई। आपने अपनी गलती को कबूल किया और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रख लिया और परमेश्वर की सेवा में आना चाहते हो और अपने पापों का प्राश्चात करना चाहते हो। इससे अच्छी बात क्या है? प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। फादर गॉड, फादर गॉड, पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, हम तो सिर्फ मिट्टी है, धुआं है, yes, हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो आप हैं परमेश्वर। हमारी इच्छाओं को आप समझते हैं, हमारी सोच को आप समझते हैं परमेश्वर। मैं क्रिस्टोफर के लिए दुआ करता हूँ, पॉल के लिए, मेरे लिए प्रभु, मैं आपके चरणों में लाता हूँ। अब प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हमें आपके ताकत की जरूरत है प्रभु, आपकी रोशनी आ जाए और आपकी रोशनी की वजह से हम देख सकते हैं, शैतान की चालों को समझ सकते हैं परमेश्वर। ये जिस राह पे चलना चाहता है, आपकी राह पे चलना चाहता है, इसको अच्छी तरह चला, रोशनी दे, इस पर रहम कर, दया कर, और इसके जरिए कईयों को छू, कईयों की जिंदगी में उधार ला, रहम कर प्रभु। जिस तरह मेरी जिंदगी में तूने बदलाव लाया है, इस तरह सभी की जिंदगी में बदलाव आए। जो शांति मुझे मिली है वो शांति सबको मिले, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्यार क्रिस्टोफर की जिंदगी में इस तरह से प्रकट हुआ कि उसके सारे सपने साकार हुए। भाई जॉनी लीवर
और कई सारे भाइयों के सहयोग से आदि में वचन था नामक गॉस्पेल एल्बम का विमोचन हुआ। आपको वचन लोगों तक पहुंचे, लोगों को शिफा मिले, शांति मिले, लोगों का उद्धार हो, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्रिस्टोफर, ऑल द बेस्ट, थैंक गॉड। दोस्तों आपको बता दें कि यह इस फिल्म का एक सीन है जो कि मैंने आपको फिल्म के बीच में से दिखाया है, क्योंकि यह फिल्म 1.5 घंटे से ज़्यादा की है। इसलिए इस फिल्म को पूरा देखने के लिए मैं आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब वहां से क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हो। तो दोस्तों, परमेश्वर इस क्रिश्चियन फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम को और साथ इस फिल्म में काम करने वाले हर किसी को आशीष दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आपको यह मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। परमेश्वर आप सभी को भी आशीष दें।